दो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब हम अपने सारे आइटम तैयारी करेंगे क्योंकि हम लोगों को जाना है पहले ड्यूटी, उसके बाद टीसी कप का जो क्वालिफाई क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू होने वाला है आज से, उसका भी थोड़ा कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकलते हैं ड्यूटी के लिए। आज मैच शुरू होगा 10 बजे आसपास, क्योंकि रात को कल जो बारिश किया था, थोड़ा सा नमी है ग्राउंड पे, सूखने के बाद ही मैच स्टार्ट होगा। बस क्वार्टर फाइनल पुम्स वर्सेस दवात वॉरियर, जो कि तमालू का बी टीम है। अब हम लोग जाएंगे ड्यूटी के लिए और बने रहे साथ में आप सब। अरे यार, वो रहा अपना दनो। दनो में जाएंगे हम आज। बैग भी आज बहुत भारी है, ये सारा सामान हम लोग डाल चुके और निकलते हैं। फिर मिलते हैं ड्यूटी के बाद, मीन्स हम लोग डायरेक्ट ग्राउंड में जाएंगे, वहीं मिलते हैं। तब तक के लिए रहिए साथ में। तांबोल टू मोहम्मद तानिश और सक्सेस टू डेग वन रन अमर टू मोहम्मद तानिश। और ये वाइड बॉल, स्कोर पड़ता हुआ 32 सॉरी विदाउट लॉस। और टॉस कौन जीता? दवात वॉरियर वॉन द टॉस एंड चूज टू फील्डिंग। और ये तानिश का बैट से निकला हुआ 4, स्कोर पड़ता हुआ 36 विदाउट लॉस। तीसरा ओवर चल रहा है। ये अमर टू मोहम्मद दानिश और बहुत ही सुंदर प्यारा सा लॉन्ग शॉट। और ये अगेन 4, स्कोर पड़ता हुआ 40 विदाउट लॉस। और ये फ्री हिट का इशारा अंपायर की तरफ से। मैं फ्री हिट है, तानिश ये मार सकेगा कि नहीं? और ये फिर तानिश ने मारा और ये फिर बाउंड्री 4। बहुत ही बढ़िया शॉट तानिश के। ये बॉल में 9 रन आया है, सिर्फ एक ही बॉल में 9 रन आया है। स्कोर पड़ता हुआ 45 विदाउट लॉस। बूम्स यंगस्टर। और ये तीसरा ओवर चल रहा है, रन हो चुका है 45 मोहम्मद दानिश क्रीज पर। और ये बहुत ही सुंदर फील्डिंग। अमर टू मोहम्मद दानिश और ये फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ में, लेकिन फिल्टर मौजूद। अमर टू मोहम्मद दानिश और ये ऑफ साइड की तरफ। अब देखते हैं कि ये बाउंड्री जाता है कि नहीं। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की प्रदर्शन। ये बॉल से 2 रन आया है, स्कोर हुआ है 47 विदाउट लॉस फॉर द कंप्लीट ओवर। 3 ओवर कंप्लीटेड, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, वो नो बॉल था ना। रॉबिन्सन के हाथ पर बॉल दमा चुके हैं और फेस करेंगे मोहम्मद दानिश। रॉबिन्सन टू मोहम्मद दानिश और बहुत ही सुंदर फील्डिंग। रॉबिन्सन टू मोहम्मद दानिश
और फिर वही बॉल दोबारा दिया तानिश ने, इस बार उसे अच्छे से मारे और ये बाउंड्री के बाहर। पिनसन टू मोहम्मद दानिश, और ये बहुत ही बढ़िया सुंदर क्लांस। आप देखते हैं ये बाउंड्री तरफ, बाउंड्री तक जा रहे कि नहीं, लेकिन तानिश एक रन चुराए आराम से वॉक करके। और पड़ता हुआ 54, रॉबिन्सन मोहम्मद दानिश, फिर से वही बॉल और बहुत ही आसानी से तानिश ने बॉल को धकेल दिया बाउंड्री की तरफ और स्कोर पड़ता हुआ 58 फॉर द लॉस ऑफ नन, 4 ओवर इन प्रोग्रेस। हम जैसा कि जानते हैं ये पूम्स यंगस्टर के ओपनर्स बहुत ही आक्रामक ओपनर है। रॉबिन्सन टू मोहम्मद दानिश अगेन, और फिर लॉन्ग ऑन और बॉलर का ऊपर से बॉल गए, कैच होने की संभावना, मगर कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ दानिश का साथ। अमर टू मोहम्मद दानिश, और ये बहुत ही सुंदर, और फील्डर मौजूद लेकिन सेफली से क्रीज में वापस आ गए। अमर बहुत सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद दानिश को, और यह फिर उड़ा दिया और फील्डर मौजूद, और लगता है कि सिर्फ एक ही रन पे संदूस। स्कोर पड़ता हुआ 60 और ये 5वां ओवर चल रहा है अमर के। अमर के सामने में है टाइटस ऑल्फन, आक्रामक बल्लेबाज, और ये उठाया और ये बाहर बाउंड्री लाइन से उड़न चू, और स्कोर पड़ता हुआ 66, 5वां ओवर चल रहा है और विदाउट लॉस में पूम्स यंगस्टर अभी भी ओपनर खड़े हैं वहां पे। अमर इस खिलाड़ी को तंग कर पाते हैं कि नहीं। अमर टू डाइटा सल्फन, और बहुत ही बढ़िया सुंदर बॉल और रन नहीं, रन नहीं, लेकिन संतुष्टि, कोई रन नहीं। अमर टू टाइटस ऑल्फन, और बहुत ही सुंदर बॉलिंग, फील्डर मौजूद, एक रन की बढ़ोतरी, बूम्स यंगस्टर को रन बढ़ता हुआ 67। अमर टू मोहम्मद दानिश, और बहुत ही सुंदर बॉलिंग अमर के, और ये पहला विकेट बूम्स यंगस्टर का मोहम्मद दानिश पवेलियन पर वापस जा रहे हैं। कप्तान तंजीम, 5 ओवर की समाप्ति के बाद आप दूसरे एंड से नए बॉलर ऑल्फन को, और ये टाइटस ऑल्फन संभाल के खेला बॉल को, बॉल की उजाल बहुत ही बढ़िया। आज टाइटस ऑल्फन बहुत ही शांत स्वभाव में, पहले की तरह आक्रामक नहीं। आए किन ये गया बॉल, जैसे ही मैंने आक्रामक की बात की, उसने अपने आक्रामक शॉट से हमें कुश कर दिए और रन पड़ता हुआ, रन कितना हुआ भाई, 73। फिर से टाइटस ऑल्फन रेडी, ओ बहुत बढ़िया अबीर, लेकिन ऊपर साइड में लगा, अंपायर नाखुश उस पे, और टाइटस ऑल्फन रेडी, लेकिन फील्डर मौजूद और एक रन की तलाश। ये लूज फील्डिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए पूम्स यंगस्टर के लिए, बहुत ही बढ़िया रन। स्कोर पड़ता हुआ 74 फॉर द लॉस ऑफ वन, और ये पावर प्ले के लास्ट ओवर फेंका चाह रहा है।
और एक सर। और कप्तान साहब अपना कार्ड लेते हुए मिस्टर तंजीम बुम्स यंगस्टर के कैप्टन बॉलर टू तंजीम। और ये बहुत ही बढ़िया सुंदर शॉट, ऑफ तरफ में सिर्फ एक ही रन मिलेंगे, स्कोर पड़ता हुआ 75 फॉर द लॉस ऑफ वन। और यहाँ पे मौजूद है हमारे ऑर्गेनाइजर, बहुत ही बढ़िया है यूथ्स के लिए। और ये तरफ बॉल बूम, बॉल गिरता हुआ और ये छक्का, स्कोर पड़ता हुआ 81। अब पावर प्ले की खत्म होने पर अब देखते हैं कि ऑल्फन अपने स्ट्राइक पर करार रहेंगे कि नहीं। और मिस्टर दम्बोल को दिया है बॉल, अब वो बॉलिंग करेगा प्रियदर्शनी एंड से मिस्टर तंजीम को। दम्बोल टू कैप्टन तंजीम, बहुत ही बढ़िया, लेकिन कप्तान बहुत सूझबूझ के साथ एक रन चुरा लिया है और स्कोर पड़ता हुआ 82 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। और ये सातवां ओवर प्रोग्रेस में है, अमर अपना फील को सेट करते हुए, सामने है ऑल्फन डाइडस। और ये बेहतरीन जक्का, जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग जोन सिर्फ उसके टांग पे है, तब भी बॉल वहीं गिराते हैं। ऑल्फन ने बहुत ही सुंदर तरीके से बाहर कर दिया बॉल को और स्कोर पड़ता हुआ 88 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। और ये सातवां ओवर इन प्रोग्रेस, लाला पंपाई। और ये बहुत ही सुंदर, लेकिन फील्डर मौजूद पकड़ नहीं पाया बॉल को, स्कोर पड़ता हुआ 92। और ये टाइडस ऑल्फन का 50, इस टूर्नामेंट का पहला 50। उससे पहले जो मैच था तमालू एक के साथ, उसने 13 बॉल में 49 रन बनाया था, इस बार वो कमी को पूरा कर दिए 18 बॉल में 50 बना के। टाइटस ऑल्फन बहुत ही खतरनाक प्लेयर्स बूम्स यंगस्टर का। और ये सुंदर फील्डिंग मौजूद, कोई नुकसान नहीं। प्रियदर्शनी एंड से दम्बोल टू टाइटस ऑल्फन, लेकिन और ये बहुत बेहतरीन चांस, अगर पकड़ लेते हैं तो, पकड़ लिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था ये तवात वॉरियर का। इस तरह से बूम्स यंगस्टर का दूसरा विकेट गिरा है टाइटस ऑल्फन के नाम पे। और कमेंटेटर कौन है? कमेंटेटर ही कर रहे हैं सर। माइक ले लो। और ये बेहतरीन प्रदर्शन तवात वॉरियर का, टाइटस ऑल्फन आउट हो चुके हैं 50 बनाकर पेविलियन से वापस, और उसके जगह ले रहे हैं टीटिकस। टाइटस ऑल्फन के क्विक 50 के बाद उसके जगह लेने आ रहे हैं मिस्टर ऋषभ, जिसे टीटिकस के नाम से जाने जाते हैं। दम्बोल बहुत सक्सेसफुल रहा, टीटिकस ऑल्फन टाइटस को वापस पैवेलियन भेज दिया, उसके जगह में आया है टीटिकस जो कि 7 नंबर जर्सी पे है। दम्बोल टू टीटिकस, बहुत ही सुंदर बॉल, बूम्स यंगस्टर 7 ओवर के समाप्ति पर स्कोर हुए हैं 92 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और दोनों ओपनर जो बहुत ही बढ़िया रन बना के गए हैं, जो पहले आउट हुए थे मोहम्मद दानिश
32 रन पर और ठीक उसके पीछे टाइटस ऑल्फन 50 रन बना के पैवेलियन पर वापस। अब ओल्ड जज एंड से मिस्टर इलियास बॉलिंग करने जा रहा है कप्तान जो बूम चैक्सलर के दनजीन जमील। इलियास टू दनजीन, बहुत ही सुंदर तरीका से उसने लेकिन फिल्टर ने हल्की सी रनिंग ली, अगर वो पहले से सोच लेते तो शायद कप्तान साहब वापस जा चुके होते। आठवां ओवर पर का पहला बॉल पर तंजीम ने लाइफ, तंजीम को लाइफ मिले, रन बढ़ता हुआ 93 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 8 ओवर इन प्रोग्रेस। इलियास टू रिजर्व, बहुत ही बढ़िया सुंदर बैटिंग और बॉलिंग की प्रदर्शन। टीटीगस टू, और बहुत ही बढ़िया बॉल दिखाई नहीं दिया, लगभग स्पीड 140 का आसपास। इलियास अपने बॉल पर टीटीगस, और ये डिडिकस का शॉट लेकिन फील्डर मौजूद मिस्टर अमर, और डिडिकस ने अपना एक रन पुंस यंगस्टर के रन से छोड़ दिया और रन बना है 94 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 8 ओवर इन प्रोग्रेस जो इलियास फेंक रहे हैं। अब इलियास टू कप्तान तंजीम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर खड़े हैं और बहुत ही लेजेंड है क्रिकेट के, और बहुत ही सुंदर बॉल इलियास टू तंजीम, और ये सिक्स सीधा बाहर, ये फुल टॉस था और पनिश किया है इस तरह से पुम्स यंगस्टर का 100। कप्तान की बैट से 100 रन निकल चुके हैं। आठवां ओवर की समाप्ति के बाद पुम्स यंगस्टर का स्कोर 100 रन फॉर द लॉस ऑफ 2। जगह में सेट विल को बॉलिंग दिया जा गया है और सामने फेस करेंगे ऋषभ। सेट विल टू टीटीगस ऋषभ, और ये ऑफसाइड, फील्डर मौजूद, देखते हैं ये पकड़ पाते हैं कि नहीं, लेकिन उसने बड़े विकेट को मिलना था कैच मगर छूट गए। बहुत ही अफसोस की बात है तवाट वॉरियर। सेट विल टू दंजीम, और ये पीछे की तरफ से 4 लॉन मारना चाहता था लेकिन बैट के किनारे पर लगे और सीधे थर्ड मैन के ऊपर से 4 निकले और रन पड़ता हुआ 105 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 9 ओवर इन प्रोग्रेस। सेट विल टू तंजीम, और ये कुगली बॉल बहुत ही स्लो फेंके उसने, बहुत सूझबूझ के बाद सेट विल ने ये बॉल को चुना। कैप्टन टू कैप्टन, तवाट वॉरियर के कैप्टन है सेट विल और पुम्स यंगस्टर के कैप्टन है दंजीम। बहुत ही सुंदर बॉल और दंजीम समझ ही नहीं सके, बॉल को पीट हुए। Yeah,
और ये देखने चाहता है कि लॉन्ग ऑन में है फील्डर, और ये दूसरा कैच मिस हुए तंजीम के, बहुत ही इसी कैच मगर नाकामयाब रहे। ये दूसरा विकेट होना चाहिए था सेटविल का, एक सौ छह पुम्स यंगस्टर, नौवा ओवर चल रहा है सेटविल का। नाकुस फील्डर अपने परफॉर्मेंस से, सेटविल टू टिटिगस, और ये पैथरीन क्लिक्स, लेकिन फील्डर मौजूद, कप्तान ने टिटिगस को रन लेने से मना कर दिए। टिटिगस वापस अपने क्रिस पर, नौवा ओवर के समाप्ति पर पुम्स यंगस्टर 106 दो विकेट के नुकसान पर, और चौकी विकेट थे मोहम्मद दानिश, 32 रन बना के आउट हो गए, और ठीक उसके पीछे टाइटस ऑल्फन 50 रन बना के पेविलियन पर वापस। अमर टू तंजीम, और ये तंजीम ने उसका फेवरेट शॉट अप्लाई कर दिया, और ये चार रन स्कोर पड़ता हुआ 110, बहुत ही बेहतरीन कप्तानी की प्रदर्शन। अमर टू तंजीम, फिर से वही लाइन पर और फिर से वही कोने पर फोर निकाल दिए तंजीम ने, और रन पड़ता हुआ 114 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट, और दसवां ओवर इन प्रोग्रेस अमर की ओवर है, जो फील्डिंग में कुछ चेंजेस। अमर टू तंजीम, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, इस बार उसने योकर डाला और तंजीम ने समझ चुके ये बॉल को। अमर टू तंजीम, और ये बेहतरीन शॉट, और देखने चाहते ये बाहर, और ये छक्का, स्कोर पड़ता हुआ 120। हेलो, चेक चेक चेक, अमर टू तंजीम, और फिर से लेकिन फील्डर मौजूद पर, ओहो रन आउट होने की संभावना था, लेकिन थ्रो स्टंप के जस्ट बगल से निकल चुके। अमर टू तंजीम, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, और ये रन चुरा लिया है टिटिगस ने, स्कोर पड़ता हुआ 122 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट फॉर द कंप्लीटेड ऑफ 10 ओवर्स। अब रहेगा सच टिटिक। दो फ्रेंड्स, दसवां ओवर की समाप्ति के बाद जो दो विकेट गिरे थे बूम्स यंगस्टर का, सबसे पहले गिरे थे मोहम्मद दानिश, जो कि 31 रन बनाए 18 बॉल पे, और दूसरा विकेट गिरा था मिस्टर ऑल्फन का, और उसने 21 बॉल पर 54 रन बनाया। अब देखना है कि ये बाकी दस ओवर में पुम्स यंगस्टर अपनी बैटिंग ऑर्डर को कैसे सफल करते हैं, और बने रहिए साथ में। ये रहा फर्स्ट क्वार्टर फाइनल, और आप देखते रहे और एंजॉय करिए वीडियो को।